अब क्वेश्चन नंबर थ्री में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थ्री में, सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड एंड फास्ट लिमिटेड वेयर अ कंपेटिटिव बिजनेस, दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ न्यू कंपनी नेम्ड सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंपनी दूसरा कंपनी मिलकर के एक तीसरा न्यू कंपनी बना रहा है। आगे क्या दे रखा हुआ है, द समराइज बैलेंस शीट ऑफ द बोथ कंपनीज वेयर एज अंडर। सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड का बैलेंस शीट दे रखा है 31 दिसंबर 2021 का। इसमें क्या क्या है बैलेंस शीट में, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज, 20 लाख का प्रोविडेंट फंड, 1 लाख का ट्रेड पेबल, 60,000 का इंश्योरेंस रिजर्व, 1 लाख का। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो प्रोविडेंट फंड हम लोग का लाइबिलिटी होता है। आगे आ जाइए, उसके बाद क्या है, बिल्डिंग दे रखा हुआ है, मशीनरी दे रखा हुआ है, इन्वेंट्री दे रखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा हुआ है, कैश एट बैंक दे रखा हुआ है, कैश इन हैंड, ये हम लोग का दे रखा होता है सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड का। अब फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड का देखते हैं, तो फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड एसेट में क्या दे रखा हुआ है, गुडविल दे रखा हुआ है, बिल्डिंग्स दे रखा हुआ है, फिर मशीनरी दे रखा हुआ है, इन्वेंट्री दे रखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा हुआ है, कैश एट बैंक दे रखा हुआ है, कैश इन हैंड दे रखा हुआ है, लाइबिलिटी में क्या दे रखा हुआ है, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 10 लाख का, फिर इक्विटी प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट। तो ये हम लोग का रिजर्व होता है, इम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट हम लोग का क्या होता है, रिजर्व होता है। जैसे मेरे को समझ में नहीं आता था पहले, तो इस तरह से लिख लेते थे, इट इज़ ऑल्सो ए रिजर्व, मतलब हम ऐसे इस तरह से लिख लिया करते थे बुक में कि ये मेरे को प्रॉब्लम है। तो आप लोग भी इस तरह से लिख ले सकते हैं, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है कोई पॉइंट, अगर समझ में नहीं आता तो आप लोग भी बुक में इस तरह से लिख सकते हैं। आगे क्या दे रखा हुआ है सम्स में, ट्रेड पेबल दे रखा हुआ है, रिजर्व अकाउंट दे रखा हुआ है, सरप्लस का दे रखा हुआ है। तो हम लोग का लाइबिलिटी साइड भी दे रखा हुआ है, एसेट साइड भी दे रखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है, द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ वो द कंपनीज वे टेकन ओवर बाय द न्यू कंपनी एट देयर बुक वैल्यू। तो एसेट एंड लाइबिलिटी जितना भी है वो टेकन किस वैल्यू पर हो रहा है, बुक वैल्यू पर टेक ओवर कर रहे हैं। आगे द कंपनी वेयर अलॉटेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इन ल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन अमाउंटिंग टू 30,000, 20,000 फॉर सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड एंड सॉरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड एंड फास्ट एक्सप्रेस, यहाँ पे सुपर कर दीजिए, 20,000 फॉर सुपर एक्सप्रेस लिमिटेड एंड 10,000 फॉर फास्ट लिमिटेड, फास्ट एक्सप्रेस लिमिटेड। तो ये हम लोग के पास परचेज कंसिडरेशन का इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है। आगे क्या है, प्रिफियर ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ सुपर फास्ट लिमिटेड कंसिडरिंग पुलिंग मेथड। तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड बोले या मर्जर बोले, तो ये दोनों क्या होता है, सेम ही होता है। इसमें कितना, पांच कंडीशन होता था हम लोग को, पांच कंडीशन क्या क्या होता था वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग को पुलिंग मेथड में बनाना है, सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए बैलेंस शीट बनाएंगे, और परचेज कंसिडरेशन तो हम लोग को दे रखा हुआ है 30,000 शेयर इंटू 100 करके, तो ये हम लोग को परचेज कंसिडरेशन ये मालूम चल गया। तो हम लोग को सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है, तो आ जाइए बैलेंस शीट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में आ जाइए, आप लोगों को फॉर्मेट से बनाना है। क्वेश्चन नंबर थ्री का सबसे फर्स्ट में क्या आता है, इक्विटी शेयर, सबसे फर्स्ट में क्या आया, इक्विटी शेयर 20,000 प्लस सॉरी 20 लाख प्लस 10 लाख, तो टोटल इक्विटी शेयर कितना हो गया, 30 लाख हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए परचेज कंसिडरेशन में सुपर लिमिटेड के लिए कितना था, 20,000 इक्विटीज दे रहा था इंटू 100 इज, तो ये कितना हो गया, 20 लाख का। एंड फास्ट लिमिटेड का 10,000 इंटू 100 था, तो ये कितना हो गया था, 10 लाख। इस तरह से अगर हम लोग टोटल करते हैं तो ये हम लोग का कितना आ गया, 30 लाख का आ गया, 30 लाख आ गया। तो वही इक्विटी शेयर में कितना हो जाएगा, 20 लाख प्लस 10 लाख, तो ये कितना आ गया, 30 लाख का। अब सेकेंड में रिजर्व एंड सरप्लस में, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाइए।
तो सुपर लिमिटेड के लिए रिजर्व दे रखा हुआ है फर्स्ट में, इंश्योरेंस रिजर्व 1 लाख का, तो इंश्योरेंस रिजर्व कितना हो गया 1 लाख का हो गया सुपर लिमिटेड का। फास्ट लिमिटेड में चलते हैं, तो फास्ट लिमिटेड में फर्स्ट रिजर्व क्या है, एम्प्लॉई प्रॉफिट शेयरिंग अकाउंट, ये कितने का दे रखा हुआ है 60,000 का, तो ये हम लोग का 60,000 का हो गया। फिर दे रखा हुआ है रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट 1 लाख का, एंड सरप्लस का कितना दे रखा हुआ है 1 लाख का, तो ये 1 लाख प्लस 1 लाख, ये तो समझ में आ गया। रिजर्व में ये सुपर कंपनी का था एंड ये तीनों क्या था फास्ट लिमिटेड का था, तो इस तरह से टोटल रिजर्व कितना आ जाएगा 3,60,000। अब आते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हम लोग को क्या दे रखा हुआ है, प्रोविडेंट फंड एक ही दे रखा हुआ है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में थर्ड में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में प्रोविजन हम लोग का, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये हम लोग का प्रोविडेंट फंड दे रखा हुआ है, प्रोविडेंट फंड कितने का दे रखा हुआ है 1 लाख का दे रखा हुआ है। फोर्थ में चलते हैं करेंट लायबिलिटी में, तो करेंट लायबिलिटी में हम लोग को क्या क्या दे रखा हुआ है, तो करेंट लायबिलिटी में हम लोग को ट्रेड पेबल दे रखा हुआ है, इस कंपनी में दे रखा हुआ है सुपर कंपनी में 60,000 का एंड फास्ट में 40,000 का, तो ये हम लोग का करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल आ गया 40,000 प्लस 60,000, तो ये हम लोग का टोटल कितना आ गया 1 लाख का। इस तरह से हम लोग का लायबिलिटी का टोटल कितना हो जाएगा 35,60,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले इक्विटी शेयर था 20 लाख का प्लस 10 लाख का, ये हम लोग का कैसा है, तो परचेज कंसिडरेशन जो था उसके हिसाब से। रिजर्व एंड सरप्लस में एक रिजर्व दे रखा हुआ था सुपर में, अब बाकी दे रखा हुआ था फास्ट में, तो रिजर्व में आ गया। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या था प्रोविडेंट फंड, उसके बाद हम लोग को ट्रेड पेबल दे रखा हुआ दोनों कंपनी का, तो ट्रेड पेबल कर दिए। अब एसेट्स में आ जाइए, नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या दे रखा हुआ है, बिल्डिंग दे रखा हुआ है, मशीनरी दे रखा हुआ है, सुपर कंपनी का 10 लाख का प्लस 4 लाख का, तो यहाँ पे 10 लाख प्लस 4 लाख, फास्ट कंपनी का कितना दे रखा हुआ है 6 लाख प्लस 5 लाख, ये हम लोग का कितना हो गया 25 लाख का, ये हम लोग का कितना आ गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 25 लाख का। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट में हम लोग का कितना आ जाता है, ये था टेंजिबल एसेट। अब इनटेंजिबल एसेट में हम लोग का गुडविल दे रखा हुआ है फास्ट लिमिटेड में 1 लाख का, तो 1 लाख का गुडविल आ जाएगा। आगे हम लोग का क्या आ जाएगा करेंट एसेट का, टेंजिबल एसेट था, करंट एसेट में क्या क्या दे रखा हुआ है, करंट एसेट में इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड बैंक, तो इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक, इन्वेंट्री में कितना दे रखा हुआ है 3 लाख प्लस 40, सॉरी 3 लाख था क्या, 3 लाख प्लस 40,000। टू लैख 40,000 प्लस 40,000 कैश एंड बैंक में कितना दे रखा हुआ है 2,20,000 प्लस 1 लैख प्लस 10,000 प्लस 10,000। इस तरह से हम लोग आ गया 3,40,000, 2,80,000 एंड 3,40,000, टोटल करते हैं तो इसका टोटल आ जाएगा 25 लाख प्लस 1 प्लस 3.4 प्लस 2.8 प्लस 3.4, तो ये भी हम लोग का आ जाता है 35,60,000, 35,60,000। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए।
कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।